सनसनी ऑफ इंडिया। दिल्ली पुलिस ने महिपालपुर के होटल मालिक व एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी कृष्णपाल शेरावत के कोल्ड ब्लडेड मर्डर केस में फरार 23 वर्षीय मुजरिम भुल्लू को गिरफ्तार किया है। महिपालपुर में होटल कारोबारी कृष्णपाल शेरावत की हत्या मुख्य आरोपी रोशन मिश्रा ने सुपारी देकर करवाई थी। रोशन मिश्रा ने सुपारी किलर व बिहार के गैंगस्टर भुल्लू उर्फ गोलू पटेल उर्फ कला को 2 लाख रुपए में सुपारी दी थी। वसंत कुंज नॉर्थ थाना पुलिस ने भुल्लू को उसकी फेसबुक व इंस्टाग्राम प्रोफाइल को खंगाल कर तेलंगाना से 15 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ बिहार व दिल्ली में 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। रोशन मिश्रा सहित 6 आरोपियों को दिल्ली पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। दक्षिण पश्चिमी जिला DCP गौरव शर्मा ने बताया कि गुरुग्राम निवासी कृष्णपाल शेरावत का महिपालपुर में डॉल्फिन के नाम से होटल है। उनका होटल रोशन मिश्रा ने लीज पर ले रखा था। बिजली व अन्य के बिल को लेकर रोशन मिश्रा को कृष्णपाल शेरावत से विवाद चल रहा था। इसी विवाद में रोशन लाल ने कृष्णपाल से बदला लेने की ठान रखी थी, जिसके बाद उसने हत्या की साजिश रची और बिहार के सिवान के रहने वाले भुल्लू उर्फ गोलू पटेल को सुपारी दी। 30 अक्टूबर 2021 की रात भुल्लू ने कृष्णपाल की उनके होटल के सामने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई थी। अपराधियों को जल्द से जल्द दबोचना और आम जनता का कानून के प्रति विश्वास बनाए रखना दिल्ली पुलिस के लिए अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। कोल्ड ब्लडेड मर्डर की वारदात को गंभीरता से लेते हुए दक्षिण पश्चिमी जिला DCP गौरव शर्मा ने वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों को जल्द से जल्द दबोचने के लिए 2 टीमों का गठन किया था। पहली टीम अभिनेंद्र जैन ACP ऑपरेशन की सुपरविजन व इंस्पेक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में SI अनुज कुमार, मुकेश कुमार, हेड कांस्टेबल कमल, कांस्टेबल रविंद्र, नरेश और दूसरी टीम अजय वेदवाल ACP वसंत कुंज के सुपरविजन में इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश के नेतृत्व में इंस्पेक्टर विपिन कुमार, SI राजेश्वर, सुरेंद्र कुमार, विवेक, हेड कांस्टेबल वीरेंद्र, दिग्विजय, कांस्टेबल ललित और महेश की टीम बनाई थी। टीमों ने दिन रात एक करके दिनांक 10 नवंबर 2021 तक 6 आरोपी रोशन कुमार मिश्रा, गुड्डू शेख, मोहम्मद हसीन, हरेंद्र सिंह, अविनाश कुमार और आलोक राज को धर दबोच लिया था। होटल कारोबारी को गोली मारने वाला भुल्लू उर्फ गोलू फरार था। जांच टीमें गोलू की तलाश कर रही थी। पुलिस को जांच में पता लगा कि गोलू सोशल मीडिया प्रेमी है। पुलिस ने उसकी इंस्टाग्राम व फेसबुक प्रोफाइल को खंगालना शुरू कर दिया। जांच में ये भी पता लगा कि आरोपी हमेशा की तरह अपने मोबाइल फोन में सिम का उपयोग नहीं कर रहा था। मोबाइल से हॉटस्पॉट व वाईफाई के जरिए सोशल मीडिया पर सक्रिय है। कॉल के समय उपलब्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, मैसेंजर और व्हाट्सएप की मदद से अपने सहयोगियों से संपर्क करता था और इन ऐप पर वीडियो कॉल का इस्तेमाल करता था। पुलिस टीम ने आरोपी के मोबाइल सेट की IMEI को खंगाल कर नजर रखना शुरू कर दिया। हत्या के बाद आरोपी को रानीखेड़ा दिल्ली, फिर फरीदाबाद हरियाणा, सीवान बिहार, सीतापुर यूपी में ट्रैक किया गया था। पुलिस पिछले 2 महीने से भुल्लू की तलाश में थी, लेकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था। वैसे तो भुल्लू केवल 9वीं पास है, लेकिन वह टेक्नो सेवी है और वह बड़े ही शातिराना तरीके से अपने स्मार्टफोन का प्रयोग करता था। आखिरकार जांच टीम को आरोपी की पिनपॉइंट लोकेशन मिल ही गई। 15 दिसंबर को उसकी लोकेशन जब हैदराबाद के साइबराबाद में मिली, तब पुलिस ने मजबूत ट्रैप लगाया और गुल्लू को गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया है। महाराजगंज जिला सीवान बिहार निवासी 23 वर्षीय भुल्लू सिंह पुत्र कुंदन प्रसाद ने मुख्य आरोपी रोशन कुमार मिश्रा से सुपारी लेकर होटल कारोबारी कृष्णपाल शेरावत की हत्या करने की बात कबूल कर ली। आरोपी पर हत्या, हत्या की कोशिश, आर्म्स एक्ट और फिरौती के करीब आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।